सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को लेटेस्ट टेक न्यूज और रोजगार न्यूज सबसे पहले पाने के लिए। और आप चाहते हैं कि सबसे पहले हमारा कोई भी वीडियो अपलोड हो तो आपको मिले, तो साथ में दबाइए बेल आइकन को। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है जीशान और आप देख रहे हैं डिजी ग्लास। चलिए शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ कि रूरल डेवलपमेंट जो डिपार्टमेंट है झारखंड की तरफ से ये वैकेंसी आई हुई है और किन किन जिलों में आई हुई, चलिए मैं दिखा रहा हूँ आपको। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दो जिला का दिखा रहा है। एक है आपका रांची डिस्ट्रिक्ट का है, ये देख रहे हैं मेरा माउस, ये रांची डिस्ट्रिक्ट, और दूसरा है आपका धनबाद डिस्ट्रिक्ट। ये दोनों के लिए वैकेंसी आई हुई है। और दोस्तों आपको एक बात और बता दूँ, 5 सितंबर को गोड्डा जिला का भी जो झारखंड के अंदर आता है उसका भी लिंक आपको इस पेज पर मिल जाएगा। मैं आपको ये लिंक अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप डायरेक्ट इसे खोल सकते हैं। रांची, धनबाद और 5 तारीख को आपको गोड्डा का लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ भी ये वैकेंसी सेम आई हुई है। चलिए आप देखते हैं इसमें क्या क्या पोस्ट है, तब मैं आपको बताऊँगा आगे कि आप ऑनलाइन कैसे कर सकते हैं, उसमें आपको क्या क्या अपलोड करना पड़ेगा डॉक्यूमेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं, पहले देखते हैं रांची का। ये देखिए, ये रांची का जो है जिला ग्रामीण विकास अभिकरण रांची, इसमें देखिए दोस्तों दो पोस्ट निकला है, ब्लॉक कोऑर्डिनेटर और अकाउंटेंट कम कंप्यूटर ऑपरेटर, टोटल 4 पोस्ट है और ये आपको नीचे वाला 5 पोस्ट है। इस तरह से देखिए डिवाइड किया हुआ, कैसे कैसे आपको जो आपको ब्लॉक कोऑर्डिनेटर उसके लिए दोस्तों 18,000 जो है मानदेय है, और जो कंप्यूटर ऑपरेटर है लेखापाल सर उसके लिए 10,000 है। आपको जो ब्लॉक कोऑर्डिनेटर के लिए क्या चाहिए, मान्यता प्राप्त विद्यालय से, रूरल मैनेजमेंट, कोऑपरेटिव मैनेजमेंट या सोशल वर्क में आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए और 1 वर्ष का कार्यभार होना चाहिए। और दोस्तों लेखापाल के लिए जो है वो आपको इंटरमीडिएट होना चाहिए और कम से कम 6 माह का कार्यभार होना चाहिए। इस तरह से ये इसका रिक्वायरमेंट है। और आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर जो आपका ब्लॉक कोऑर्डिनेटर है उसके लिए, जो जनरल है और पिछड़ा वर्ग उसके लिए 400 रुपये आपका फीस है, और जो SC ST उसके लिए 200 रुपया है, और सेम चीज़ जो है आपका लेखापाल के लिए 150 है आपको जनरल और OBC के लिए, प्लस SC ST के लिए 100 रुपये है। ये दोस्तों आप 28 तारीख से शुरू हो चुका है और आप 15 सितंबर तक इसे आप डाल सकते हैं। ये था आपका रांची जिला का। चलिए अब आगे चलते हैं और देखते हैं आपको धनबाद में क्या क्या है। ये देखिए दोस्तों, धनबाद जिला का है, सेम वैकेंसी आया हुआ है। अब देख रहे हैं यहाँ पर क्या क्या है, आपका क्या क्या पोस्ट है और कितना कितना पोस्ट है। देखिए यहाँ पर दिखा रहा है प्रशिक्षण समन्वयक यानी ट्रेनिंग कोऑर्डिनेटर। ये देखिए यहाँ पर कुल पद 1 है जो कि आपका अनरिजर्व है, इसे कोई भी डाल सकते हैं आप। और इसका सैलरी दोस्तों ज़बरदस्त है, 35,000 रुपये है सैलरी इसके। और दूसरा है ब्लॉक कोऑर्डिनेटर, इसका भी 1 सीट है जो ये आपका OBC के लिए रिजर्व है, इसका सैलरी 18,000 रुपये है। और लेखापाल सर कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए 10 सीट है दोस्तों, ज़बरदस्त सीटें 10 टो। और 5 जो है अनरिजर्व है, 2 OBC के लिए 1, ये दोनों OBC के लिए 3 टो, और 1 SC 1 ST के लिए, इसके लिए 10,000 रुपये मानदेय निर्धारित किया गया है। दोस्तों मैं जो मैं आपको बता दूं, जो मैं पिछले बार बताया अभी, जो आपको रांची में जो सेम चीज़ है, सिर्फ मैं आपको बता दूं यहाँ पर 1 पोस्ट ज़्यादा है जो है ट्रेनिंग कोऑर्डिनेटर, उसके लिए क्या है सेम चीज़ उसके लिए दिखा रहा है। देखिए, मान्यता प्राप्त विद्यालय से रूरल मैनेजमेंट, कोऑपरेटिव मैनेजमेंट या सोशल वर्क में आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए और साथ में 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। और ये अपन यहाँ पर दिखा रहे हैं सेम चीज़ है, यहाँ पर सिर्फ ट्रेनिंग कोऑर्डिनेटर के लिए 500 रुपया है जनरल के लिए और OBC के लिए, प्लस SC ST के लिए आपको 300 रुपया है, बाकी सब कंडीशन सेम है। ये आपको 1 तारीख से चालू है और आपको 15 सितंबर तक आप इसे डाल सकते हैं। चलिए अब आपको हम दिखा रहे हैं ऑनलाइन अप्लाई कैसे कर सकते हैं और आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट का जरूरत पड़ेगा, उसे कैसे आप अपलोड करेंगे, जो मेरा मेन टॉपिक है। चलिए यहाँ पर देखिए, देख रहे हैं यहाँ पर रजिस्टर का जो यहाँ पर लिंक आ रहा है, दोनों में से जिस चाहे आप उसे क्लिक कर। चलिए हम नीचे वाला ही करते हैं, धनबाद वाला पर रजिस्टर पर क्लिक किए, आपको जो जिला का अप्लाई करना है वहाँ से आप क्लिक कर सकते हैं रजिस्टर पर। और उसके बाद आपके सामने इस तरह का पेज खुलेगा। देखिए यहाँ पर आ गया, ट्रेनिंग कोऑर्डिनेटर 1, ब्लॉक कोऑर्डिनेटर 1 पोस्ट है और अकाउंटेंट कम कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए 10 पोस्ट है। चलिए यहाँ पर दिखा रहे हैं रजिस्टर टू अप्लाई, यहाँ पर आइएगा तो आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, उसके बाद अप्लाई कर सकते। चलिए हम दिखा रहे हैं आपको उससे पहले, अप्लाई करने से पहले कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको रखना पड़ेगा अप्लाई करने से पहले, ताकि आप अप्लाई करने में कोई दिक्कत नहीं हो। देखिए सबसे पहले, बिफोर फिलिंग द ऑनलाइन फॉर्म, ऑनलाइन फॉर्म भरने से पहले आप जो है ये डॉक्यूमेंट अपना रख लें। क्या क्या है, सबसे पहले जो है
डॉक्यूमेंट का जो साइज़ है वो 300 KB में कम होना चाहिए और सब जो है दोस्तों PDF में होना चाहिए, याद रखिएगा। और फोटोग्राफ का जो साइज़ है वो मैक्सिमम 50 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उससे कम ही होना चाहिए, और सिग्नेचर भी 50 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और ये दोनों आपका जो फोटोग्राफ और जो आपका सिग्नेचर दोनों JPEG में होना चाहिए। और डॉक्यूमेंट मैं फिर से बता रहा हूँ, डॉक्यूमेंट जो है आपको होना चाहिए PDF में, याद रखिएगा, और 300 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, फर्स्ट पॉइंट पे देख रहे हैं, लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ नॉट मोर देन 6 मंथ ओल्ड, यानी 6 मंथ पुराना फोटो नहीं होना चाहिए, नया होना चाहिए। दूसरा पॉइंट देखिए, स्कैन कॉपी ऑफ सिग्नेचर, सिग्नेचर का भी स्कैन क्या होना चाहिए। तीसरा, मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट एज एज एन एज प्रूफ, यानी आपका जो एज का जो प्रूफ है वो देने के लिए आपको मैट्रिक का सर्टिफिकेट लोड करना पड़ेगा, जिसमें कि मैट्रिक का, जिसमें कि आपको डेट ऑफ बर्थ शो हो रहा है, चाहे मार्कशीट हो या जो भी हो उसमें होगा वो आपको डाल देना है। चौथा है, इसेंशियल एंड डिजरेबल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट्स एंड मार्कशीट, ये सब आपको डालना है। पाँचवा है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स। छठा है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स इशूड बाय कंपोनेंट अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ झारखंड, जो भी आपका इशू किया हुआ है अधिकारी के द्वारा उसको डालना है। सातवां है, कास्ट सर्टिफिकेट, यदि आप अप्लाई कर रहे हैं किसी रिजर्व कोटा में तब इसको आपको देना जरूरी है। और आठवां है, PWD के लिए जो डिसेबिलिटीज हैं उसके लिए है ये। इस तरह से दोस्तों आपको ये सब चीज़ डालना जरूरी है। और देखिए जो मेन पॉइंट, सब कुछ डालने के बाद देखिए, आप दिखाए रजिस्ट्रेशन के लिए आपको वैलिड ईमेल आईडी होना चाहिए एक, और मोबाइल नंबर जरूरी है। दोस्तों ईमेल आईडी अगर आप नहीं जानते हैं तो मैंने इस पर वीडियो बनाया है, उसका भी लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा, आप वहाँ से क्रिएट कर सकते हैं अगर आप नहीं जानते हैं तो। उससे तो ईमेल आईडी सबके पास रहता है। अब देखिए आगे, फी विल बी पेड थ्रू डेबिट क्रेडिट कार्ड और इंटरनेट बैंकिंग ओनली, फी वंस डिपॉजिट विल नेदर बी रिफंडेड नॉर ट्रांसफर्ड, एक बार फीस जमा कर देंगे आप तो वो आपको दोबारा रिफंड नहीं होगा। दोस्तों आप पेमेंट जो है आपको ऑनलाइन करना है, डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से या इंटरनेट बैंकिंग के द्वारा। और उसके बाद कैंडिडेट शुड टेक ए प्रिंट आउट, यानी आपको एक प्रिंट आउट लेना है उसके बाद फाइनल सबमिट करने के बाद फ्यूचर रेफरेंस के लिए, ताकि आगे कोई दिक्कत नहीं हो आपको, ताकि अगर आगे आपको सिलेक्शन होता है तो आपको ये चीज़ बहुत काम आएगा। इसके बाद ये आप देख लिए, आपको ये सब चीज़ रखना है, और इसके बाद आपको रजिस्टर पर क्लिक करना है। इसे आप क्लिक कीजिएगा रजिस्टर पर, देखिए यहाँ पर आपको आ जाएगा, यहाँ पर नाम डालना है, ये मैंडेटरी है, फ़ोन नंबर डालना है, यहाँ डेट ऑफ बर्थ डालना है आपको जो भी आपको 10th सर्टिफिकेट में है, उसके बाद यहाँ ईमेल आईडी डालना है, और यहाँ पर डालना है पासवर्ड, फिर यहाँ डालना है कन्फर्म पासवर्ड। उसके बाद आपको रजिस्टर नाउ पे क्लिक कर देना है, और आपको ऑटोमेटिक ये आपको ले जाएगा नेक्स्ट पेज पर, जहाँ पर आपको सारा कुछ डालना है, आपको पर्सनल डिटेल, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, फोटो वगैरह, सिग्नेचर सब डालना है, जैसे आप नॉर्मली डालते हैं। दोस्तों बता दो आपको, यहाँ पर जो पासवर्ड है वो मिनिमम 8 करेक्टर यानी 8 अंक का होना चाहिए, उससे कम का होगा तो नहीं लेगा, बता दो आपको, ये लोग लगभग नहीं जानते हैं। और एक होना चाहिए आपका अपर केस में, एक लोअर केस में होना चाहिए, एक होना चाहिए नंबर या स्पेशल करेक्टर, सब मिलाकर 8 करेक्टर होना चाहिए। इस तरह से आप पासवर्ड रखें ताकि कोई दिक्कत नहीं हो। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ऑनलाइन फॉर्म डालने में कोई दिक्कत नहीं होगी, और आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा उम्मीद करता हूँ। दोस्तों अगर अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।